संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर दिग्विजय सिंह की टिप्पणी को लेकर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने दिग्विजय सिंह को नौटंकीबाज बताया। उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह अपना डीएनए टेस्ट करा लें, पता चल जाएगा उनका डीएनए क्या है। अरविंद भदौरिया ने अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक और सोसाइटी के चुनाव को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री से बात कर जल्द चुनाव कराए जाएंगे। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि दिग्विजय सिंह अपनी जगह बनाने के लिए मीडिया में ऐसे बयान देकर नौटंकी करते रहते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो बात कही वो सत्य है। दिग्विजय सिंह अपना डीएनए चेक करा लें, इससे उनका डीएनए पता चल जाएगा। दिग्विजय सिंह हमेशा से देश विरोधी टिप्पणी करते आए हैं। उन्होंने आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को ओसामा बिन लादेन जी कहा ताकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक बना सके। वहीं उन्होंने कांग्रेस के नेमावर जाने को लेकर कहा कि ये कांग्रेस का पॉलिटिकल स्टंट है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नेमावर हत्याकांड में पहले ही उचित कार्रवाई कर दी है। एक्चुअली जो माननीय महोदय भागवत जी ने जो कहा है ये यथार्थ है, ये सत्य है। और थोड़ा दिग्विजय सिंह जी जैसे लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा, इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो दिग्विजय सिंह क्या होगा कि हल्के मजाकिया लहजे में ये सब बातें बोलते रहते हैं। मैं तो कहूँ दिग्विजय सिंह जी अपना थोड़ा डीएनए टेस्ट करा लेंगे कि उनका डीएनए क्या है। तो माननीय मोहनराव भागवत जी पर टिप्पणी करना तो आसमान की तरफ थूकना है। आसमान में जो थूकता उनके चेहरे पर गिरता, इसलिए इस प्रकार की टिप्पणी दिग्विजय सिंह जी के आचरण में है। यही नहीं है, दिग्विजय सिंह जी राष्ट्र के विरोध में कई प्रकार की टिप्पणियाँ करते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था पिछले बार का, चुनाव के पहले दिग्विजय सिंह जी ने टिप्पणी की थी ओसामा बिन लादेन जो अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट, उत्तर प्रदेश में चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक कैसे लिया जा सकता है, कांग्रेस का फिसक गया। ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी करके संबोधित करने वाले ये हैं मिस्टर दिग्विजय सिंह जी। बटाला कांड ये सब प्रकार के देखेंगे उसमें किस प्रकार का बयान देने वाले ये हैं दिग्विजय सिंह जी। एक्चुअली दिग्विजय सिंह जी मीडिया में इस प्रकार के बयान देके अपना स्थान बरकरार रखने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं, नौटंकीबाजी करते रहते हैं। इसलिए ये टिप्पणी जो कर रहे हैं उनको अंतरात्मा में दिग्विजय सिंह जी को झांकना चाहिए। ये बहुत गहरी बात कही है, परम पूज्य जी बहुत गंभीर बात है। यह हिंदुस्तान का मैं तो कहूँ एक नए मतलब एक जो संघ का चिंतन है, संघ का सोच है, संघ का विचार है, वो बड़ा व्यापक है। अरविंद भदौरिया ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कहा कि सिंधिया विचारधारा के आधार पर भाजपा में आए हैं। उन्होंने कहा भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है लेकिन कांग्रेस फ्रेंचाइजी बांटती है। कांग्रेस में कई कांग्रेस हैं, कहीं दिग्विजय सिंह, कहीं कमलनाथ तो कहीं पचौरी और अरुण यादव की कांग्रेस है। अपेक्स कॉरपोरेटिव बैंक और सोसाइटी के चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस के मित्रों आप बीमार कांग्रेस हैं, कई बीमारियां बैक्टीरिया जो आपके कांग्रेस में लगे हुए हैं, कई कमलनाथ कांग्रेस है, कई दिग्विजय सिंह कांग्रेस है, कई सुरेश पचौरी जो बेचारे अभी दिखने रहे उनकी कांग्रेस है, कई अरुण यादव को जो है हाथ पैर मार रहे कई उनकी कांग्रेस है। कांग्रेस में होता होगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब विचारधारा के आधार पर आज पूरे प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, दुख और सुख में दोनों में खड़े हैं। कई लोगों की मौतें हुई हैं कोरोना के काल में, इसमें उनके यहाँ बैठने जा रहे हैं। अब कांग्रेस पे कहने के लिए बचा ही क्या है? पैक सोसाइटियाँ सीसीबी बैंक हमारा पॉजिटिव कलेक्शन उसको भी हम करेंगे, अनंत प्रकार के हमारे जो वन प्रसंग वगैरह जितने हैं, और मैं जल्दी ही माननीय सीएम साहब से चर्चा करके संगठन के लोगों से चर्चा करके उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज।